हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुष यूजी काउंसलिंग के बारे में, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब चल रहा है थर्ड राउंड, यानी कि मोपअप राउंड, जिसे लास्ट राउंड भी कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं और देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसमें चॉइस फिलिंग का कैसे होता है और ये काउंसलिंग कैसे होगी। ठीक है, ये औरों से अलग होती है, फर्स्ट और सेकंड राउंड से। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, रीशफलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सब कुछ देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं आप, तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पर, देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है यूजी आयुष मोपअप राउंड रजिस्ट्रेशन 2020। देखो यहाँ पे अपने नीट का जो रोल नंबर है वो भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरनी है। सबमिट करके आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन आगे, जैसे आपने फोटोज़ अपलोड करनी है, सिग्नेचर, वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की है या की भी है, तो अगर आप काउंसलिंग, जैसे आपको अलॉटमेंट करवाना है चाहते हैं, आपको जैसे कम मार्क्स और सीट चाहिए आपको, तो आप नीचे एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर कॉल करके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको काउंसलिंग बता दी जाएगी कैसे कैसे क्या करना होता है और कॉलेज आपको अलॉट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो यूजी ब्रोशर है वो खोल के देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मोपअप राउंड की काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण तिथि दिनांक 13 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक। तो 13 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी है और ये चलेगी 19 फरवरी तक। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड तिथि, तो ये होगा 20th को। ठीक है, यहाँ पे आप जो मेरिट लिस्ट है, जो काउंसलिंग पत्र है, वो डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखते हैं ऑफलाइन ऑन स्पॉट प्रवेश हेतु काउंसलिंग तिथि, तो ये जो काउंसलिंग रहने वाली है ये ऑफलाइन होगी। ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगी। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको सीट वहीं पे आपको बता दी जाएगी, आपके अगर आपको आपके मार्क्स पर अगर यहाँ पे कॉलेज मिलेगा तो या नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कम मार्क्स हैं तो आप, वही बात है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो ये नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके करवा सकते हैं काउंसलिंग, आपको जो अलॉटमेंट है वो कन्फर्म करा के दी जाएगी। ठीक है, अब ये चलने वाला 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये चलने वाला है। ठीक है, इन डेट्स में आप अपनी ये ऑफलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अब देखो संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूचित प्रेषित करने की अंतिम तिथि, तो कॉलेज वाले लिस्ट रिलीज कर देंगे जिन जिन का भी एडमिशन हो गया होगा, अलॉटमेंट कन्फर्म हो गई होगी 27th को। तो यहाँ पे वो डेट, इस डेट को जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अब देखते हो काउंसलिंग स्थल, काउंसलिंग होगी कहाँ पे। ठीक है, ये होगी आपकी राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। लखनऊ में आपको यहाँ पे पहुँचना होगा और अपनी जो काउंसलिंग है यहाँ पे जाके ऑफलाइन करवानी होगी। अब देखो पंजीकरण शुल्क किसको देना है किसको नहीं देना, देखो यहाँ पे सबको देना होता है। अगर फर्स्ट राउंड में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, आपको अगर नहीं मिला तो आपने सेकंड में फिर से किया, अब यहाँ पे थर्ड में भी, चाहे जिनको मिला था या नहीं, सबको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा। जैसे राउंड वन में भी कराया आपने, राउंड टू में भी कराया, कॉलेज नहीं मिला रजिस्ट्रेशन में कराने के बाद, तो उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करानी पड़ेगी और वो चार्ज होगा वो होगा 2000 रुपीज़ का। आप ऑनलाइन ये करा सकते हैं। और कौन एलिजिबल है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, देखो वही एलिजिबल होगा जिन्हें राउंड वन में और राउंड टू में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कई कह रहे थे कि जैसे आपने सीट आवंटित नहीं की है, जैसे यानी कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो आगे जहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट देना था, आप वहाँ पे अगर नहीं गए तो वो माना जाएगा कि आपकी जो आपको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अलॉट हुआ है, आपने नहीं लिए तो वो अब मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, देखो जिन्हें जो परमिशन मिली थी जिन कॉलेजेस को, वो तो कर लेंगे। ठीक है, उनको उनमें एडमिशन हो गया, लेकिन जिनका जो एडमिशन कैंसिल हो गया, जो कॉलेजेस बाहर हो गए थे, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मोपअप राउंड में। आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट पूर्ण की जाएगी। तो ऑन स्पॉट है जैसे कि आपको बताया, और इसमें रीशफलिंग नहीं होगी। ठीक है, कि आपने ये कॉलेज ले लिया, बाद में आपको कि आपने ये कॉलेज लिया, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी इसमें। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये ब्रोशर है। और आपको तो कुछ भी पूछना हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, हु शुभम अरोड़ा करके नाम से आईडी है, और आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा होगा जो हो शुभम अरोड़ा लिखा हुआ है। आपको कैसे सर्च करना है, वहाँ पर सर्च करना है सिंपली, और वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप नहीं इंस्टाग्राम यूज़ करते तो आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पर शुभ टॉकीज हेल्प डेस्क लिख दें, वहाँ पर भी आप जो क्वेश्चन है अपने पुट कर सकते हैं, वहाँ पर भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पे जो मोपअप राउंड है इसके बारे में, आयुष काउंसलिंग यूपी के बारे में। ठीक है, तो जिसको भी काउंसलिंग करवानी है वो करवा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर क्लिक करके, और अपनी जो
अलॉटमेंट है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।